दुनिया का सबसे रहस्यमय, सबसे ताकतवर और सबसे तेज चीज़ है ह्यूमन ब्रेन। अगर हम इसको ट्रेन कर ले गए तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं और कैसे अपने आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सबका दोस्त इमरान खान, क्यूरियस एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज इस वीडियो में 3 पॉइंट देने वाला हूं आपको, जिसको अपना के जिसको आपने अगर करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में अपने दिमाग की ताकत, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत ग्रो करते हुए पाएंगे अपने दिमाग को और अपने आप को। 3 असरदार तरीके बताऊंगा जिसको अगर आपने करना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में आप अपने दिमाग को एक बहुत बड़ा असर देखेंगे। आप देखेंगे आपका आईक्यू लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, आपका दिमाग तेज होना शुरू हो गया। अगर आपने इसको प्रैक्टिस में लाना शुरू किया तो पहले के मुकाबले देखेंगे अब आपका दिमाग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। 3 चीज़ें बताऊंगा, आइए इन 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। जो पहली चीज़ है वो है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। आपको आपके दिमाग का जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है ये बहुत हाई होना शुरू हो जाता है। देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी मिलीनियर हैं, सबका पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है सर, बहुत हाई होता है। इसलिए वो नई चीज़ों को जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हो, उन चीज़ के बारे में बहुत तेज़ी से उसका नॉलेज ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत हाई होता है। तो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एजुकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड, नॉट ए कलेक्टिंग फैक्ट्स। तो अगर आप भी अपना कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही आप मेडिटेशन करना शुरू करें। आप 2-3 घंटे ना करें, एटलीस्ट आप दिन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आपके दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है सर। आप देखेंगे आप कुछ ही दिनों में आप अपने दिमाग पे, अपने आप पे बहुत असर होता हुआ पाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से वर्क करते हुए पाएंगे आप। तो पहला पॉइंट है मेडिटेशन। दूसरी चीज़ है लर्न समथिंग न्यू। जी हाँ, आप हमेशा कुछ ना कुछ नए सीखने की कोशिश करें। वो कोई भाषा हो सकती है, कोई कला हो सकती है, कोई कुछ भी नई चीज़ों को सीखना आप शुरू कर दें। नई चीज़ जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आपका न्यूरॉन सेल बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। एक छोटा बच्चा जब वो छोटा होता है, चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज नहीं होती है। जब वो नई नई चीज़ों को देखता है, आपसे क्वेश्चन करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप जब उसको बताते हो वो नई नई चीज़ें सीखता है। इससे आपका न्यूरॉन सेल बड़ा तेज़ी से बढ़ता है, उस बच्चे का न्यूरॉन सेल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वही सेम प्रोसेस अभी भी हमारे ऊपर लागू करता है। जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं, नई चीज़ों को जानते हैं तो हमारा न्यूरॉन सेल बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब आप नई चीज़ें सीखते हैं, नई भाषा सीखते हैं, नई ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नई हो, इससे आपका न्यूरो पाथवे खुलने लगता है। और जब न्यूरो पाथवे खुलेगा आपका तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में आपको टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह मोबाइल का प्रोसेसर जितना हाई होता है वो उतना जल्दी मोबाइल आपको प्रोसेस करके आपके सामने किसी एप्लीकेशन को खोल के दे देता है। उसी तरह जब आपका प्रोसेसर हाई हो जाएगा, आपका न्यूरो पाथवे खुल जाएगा, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। जब आपका न्यूरो पाथवे बंद होता है तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर सोचने में काफ़ी टाइम लग सकता है। अच्छा, इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है। लेकिन जब आपका न्यूरो पाथवे खुल जाएगा, न्यूरॉन सेल डेवलप होगा, न्यूरो पाथवे खुल जाएगा, तो जब न्यूरो पाथवे खुलने के बाद वो सोल्यूशन आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। तो जब आप नई चीज़ें सीखेंगे तो न्यूरॉन सेल भी डेवलप होगा और न्यूरो पाथवे भी खुलने लगेगा। तो आप हमेशा नई नई चीज़ों को एब्जॉर्ब करें, नई चीज़ों को आप सीखें, उनके बारे में जानें। तीसरी चीज़ और लास्ट चीज़ वो है वॉकिंग। जी हाँ, वॉकिंग। ह्यूमन ब्रेन डेवलप में वॉकिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये जितना सिंपल है उतना ही असरदार है। आज के 10,000-20,000 साल पहले जब ह्यूमन खानाबदोशी ज़िंदगी जीता था, खाने के लिए इधर से उधर जाता रहता था, पैदल चलता था, साधन की कोई व्यवस्था ना थी, उस वक्त ह्यूमन ब्रेन डेवलप कर रहा था बहुत तेज़ी से। तो वॉकिंग का आपके ब्रेन का डेवलप होना, इस पर बहुत बड़ा रोल निभाता है वॉकिंग। जब आप चलते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्रेन तक होने लगता है बहुत तेज़ी से। तो जब ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है तो ये वर्क बहुत बेहतर तरीके से करना शुरू कर देता है।
तो दिन में आप 15 से 20 मिनट अगर वॉकिंग करते हैं तो इससे आपका दिमाग जो है ऑक्सीजन को जब पाता रहेगा, उसका ट्रांसपोर्ट बेहतर होता रहेगा, तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो वॉकिंग दिन में आप 15 से 20 मिनट ज़रूर करें, इससे आपके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। वैसे वॉकिंग के बहुत सारे फायदे और भी हैं, लेकिन दिमाग की एक खास बात है कि ये दिमाग को बहुत फ्रेश करने का काम करता है और इसको वर्क करने में बड़ा हेल्प करता है वॉकिंग। तो आप दिन में 15 से 20 मिनट ज़रूर वॉकिंग करें। तो ये तीन असरदार चीज़ें हैं, अगर आपने इनको अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया और इसको करना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर और अपने दिमाग के अंदर बहुत बदलाव देखना शुरू कर देंगे और बदलाव होना भी शुरू हो जाएगा। देखिए, बदलाव हमेशा छोटे छोटे कामों को करने से ही होता है, कोई अचानक से नहीं एक ही रात में आप जीनियस हो जाओगे, ऐसा कहीं नहीं होगा सर। आप छोटे छोटे कामों को करें, छोटे छोटे बदलाव से एक दिन बहुत बड़ा परिणाम लाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। यह हमारा YouTube पे नया चैनल है, अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।